किसी को इस शर्त पे मुलाजिमत में रख सकते हैं कि मतलब उसको मैं कुछ मतलब मेरा तिजारत के मैं कुछ कुछ उसको सिखाऊंगा, मतलब कुछ राज बताऊंगा, और उसके साथ ऐसा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि मतलब अगर मेरे यहाँ से तूने मतलब जॉब छोड़ दिया, मुलाजिमत छोड़ दी, तो 5 साल तक तू मतलब मेरे फील्ड में मतलब तिजारत नहीं कर सकता। एक ये कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरा ये कि अगर मतलब चीटिंग किया मतलब मेरे साथ तूने, या मतलब चोरी किया वगैरह, तो मैं मतलब तेरी तनख्वाह में से पैसे कट करूंगा। इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते उसको डराने के लिए। पहला सवाल भाई का ये है शेख, जो मैं जी सुन पाया कि किसी आदमी को अपने पास ये मुलाजमत पर रख रहे हैं और साथ में ये शर्त रख रहे हैं कि जब आप मेरे यहाँ मुलाजमत करोगे तो जाहिर है मैं आपको तिजारत के कुछ असरार और रुमूज बताऊंगा, कुछ सीक्रेट जी आपको पता चलेगा। तो मेरी शर्त ये है कि जब आप मेरे यहाँ से मुलाजमत छोड़ोगे तो 5 साल तक इस फील्ड में आप काम नहीं कर सकते, यानी वो तिजारत आप खुद इख्तियार नहीं कर सकते। तो क्या ये शर्त रखना सही है या नहीं? तो इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि ये शर्त रखना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। इसका तफसीली थोड़ा सा कदरे तफसीली जवाब ये है कि ये जो शर्त है जी इसको फुकहा की इस्तेलाह में शर्त जाली कहते हैं। जो हम दो लोग आपस में कोई मामला करते हैं तो हम आपस में अगर कुछ शर्तें रखते हैं तो उसको शर्त जाली कहा जाता है, यानी हम उस शर्त को बनाते हैं अपनी तरफ से, ये शरीयत की तरफ से नहीं होती है, हम आपस में तय करते हैं। और इस शर्त के सही होने के लिए, उसके जायज़ होने के लिए कुछ शर्तें हैं। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये है कि वो जो शर्त आप रख रहे हैं वो अक्द का जो मुक्तज़ा है, उसका तकाजा है, उसके खिलाफ ना हो। अब ये जो जी शर्त आप उस अजीर के साथ, उस मुलाजिम के साथ रख रहे हो कि बाद में आप जो है ये काम, इस काम के अंदर दाखिल नहीं होगे, ये तिजारत नहीं करोगे, ये सरासर उसकी मसलहत के खिलाफ है। वो आपका पाबंद उस वक्त तक है जब तक वो आपके पास मुलाजिम है। मुलाजमत छोड़ने के बाद अगर उसके ऊपर आप पाबंदी लगा रहे हो कोई, तो ये पाबंदी लगाना ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा उजरत का जो आप मुआहदा कर रहे हो, वो मुआहदा तो सही है, वो अक्द सही है, लेकिन ये जो शर्त आप लगा रहे हो ये शर्त बातिल है, इस शर्त का कोई एतबार नहीं होगा और उसके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी बाद में लागू नहीं होगी। दूसरा सवाल क्या है भाई का शेख? दूसरा अगर जी जी बोलिए मतलब भाई। अगर अगर मतलब मेरे यहाँ पे मुलाजमत करते वक्त मतलब अगर मैंने उसे चोरी या ऐसा कुछ मतलब गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ लिया, तो मैं उसकी मतलब जो भी है तनख्वाह उसमें से उसकी तनख्वाह कट करूंगा, नहीं ऐसा नहीं नहीं ऐसा ऐसा कर देखिए, सकते? नहीं, जो उसकी तनख्वाह है वो तनख्वाह का तो हकदार होगा, जैसे ही वो काम करेगा उसका हकदार हो जाएगा। अब मान लीजिए उसने 10 रुपया चोरी किया आपका, तो जाहिर है जो 10 रुपया अगर दलील के साथ चोरी साबित कर दिया आपने, तो वो 10 रुपया तो उसको देना होगा। अब वो 10 रुपया अपनी जेब से दे या अपनी तनख्वाह से कटवाए वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो तनख्वाह है वो साबित हो गई। अगर चोरी भी आपने साबित कर दिया तो उसको देना होगा उतना वापस, तनख्वाह से दे अपनी जेब से दे। बाकी जैसे आपने कहा कि तुमने अगर मेरा 10 रुपया चुराया तो मैं तुम्हारा 100 रुपया काटूंगा, तो ये सही नहीं है, क्योंकि चोरी का हुक्म यही है कि चोर पकड़ा जाएगा तो जाहिर है एक तो उसकी इस्लामी शरीयत में जो सजा है वो सजा तो आप यहां नाफिज कर नहीं सकते, लेकिन कम जी से कम इतना तो आप नाफिज कर सकते हो कि जो माल चुराया है उसको वापस करना होगा। वापस तो करना जितना चुराया है उतना ही वापस करना होगा। अगर सजा के तौर पर आप मजीद उसका माल ले रहे हो तो ये जायज नहीं है, क्योंकि चोर की सजा हमारी शरीयत में ये नहीं है कि उसका माल ले लिया जाएगा, उससे उतना ही माल लिया जाएगा जितना उसने चोरी किया है, प्लस उसकी और जो सजा है उसका नाफिज करना यहाँ पे मुमकिन नहीं है।